Hello everyone, my name is Arjun Manhas. I am basically from Jammu and Kashmir, and this is my first show on TV. Actually, I have done movies before, and TV I'm doing for the first time. And in this show, Bade Bhaiya Ki Dulhaniya, I am playing a boy, 19 years old boy, who's named as Bheem Raj, but his mother calls him Sona, pyar se. So this Sona character is basically a very studious kind of a bacha. He's very intelligent and at the same time he's also very shy. His father is always after him that you should do pehlwani and all, but he's not into it. He always keeps saying that that's not my cup of tea, I'm into studies and all the time. So hi, my name is Yash और मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं 16 इयर्स का हूँ. मैंने पहले बहुत सारी मूवीज़ की है, 5 मूवीज़ की है, और इसमें मैं रोहन कैरेक्टर का प्ले कर रहा हूँ और इसमें मैं ऑटिस्टिक चाइल्ड का प्ले कर रहा हूँ और मैं बड़े भैया का सबसे प्यारा भाई हूँ और मुझे ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल है और मुझे बहुत मज़ा आ रही है. बस आप मेरे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखते रहिए बड़े भैया की दुल्हनिया 9 PM और 18 जुलाई. अच्छा, आपने जो जैसे कहा कि आपने काफ़ी मूवीज़ की, वो कौन सी मूवीज़ थी? मैंने लास्ट एक विलन किया है, क्रूक किया है और कर ले प्यार कर ले, मिले ना मिले हम. अच्छा, तो जब आपने सिनेमा से जब टीवी में जंप किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा टीवी में काम करने का? बहुत मज़ा आया मुझे. पहली बार, ये भी मेरा पहला शो है और मुझे ट्राई करना था. बहुत मज़ा आई, मुझे एक्सपीरियंस देखना था क्या क्या मज़ा आया इसमें. और बड़े भैया का के साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस रहा? बहुत कूल है, बहुत कूल हैं, बहुत अच्छे हैं और सेट पे बहुत मस्ती करते हैं. हाँ. दिल के बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं हम लोग, बहुत मस्ती करते हैं सेट पे. अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि फैमिली में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होता है? क्योंकि आजकल के 21st सेंचुरी में ऐसा कहा जाता है कि लाइक इफ़ देर आर मोर पीपल इन द फैमिली देन काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी मनमुठाव होता है. सो पीपल कंसिडर इट एज अ स्मॉल फैमिली, ऐसे बोलते हैं ना हैप्पी फैमिली, बट आपका जो फैमिली है दैट इज़ अ 13 मेंबर लाइक फैमिली, इट्स अ वेरी बिग फैमिली. सो डू यू थिंक दैट आपके फैमिली में झगड़े होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब झगड़े तो हर फैमिली में होते हैं. लाइक अगर एक घर में इतने बर्तन होते हैं तो वो एक साथ जब बजते हैं तो आवाज़ तो आती है. बट एट द सेम टाइम हमारी फैमिली अगर इतना झगड़ती है, बट वो सिर्फ झगड़ती है तो, बट लेकिन एट द सेम टाइम जब कभी प्रॉब्लम होती है तो वो एक यूनिटी है उनमें, वो यूनाइट हो जाती है और मतलब दिल आपस में उनमें बहुत प्यार है और बड़े भैया सब सॉल्व कर देते हैं. हाँ. अच्छा, आपके पेरेंट्स कौन है मतलब इस फिल्म? मेरे पेरेंट्स का नाम है, एक पबली है और एक योगराज है. और जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका नाम है बलराज, जो मेरे पापा बने हैं, और रेखा जो मेरी मॉम बनी है इसमें. अच्छा, इसमें बड़े भैया की दुल्हनिया का तो वो साइड तो है, बट बाकी के जो कजिन्स हैं फैमिली में, एज इन आप दोनों जब आप सामने बैठे हो तो आप दोनों का कुछ इसमें दिखाई देगा, एज इन ब्रदर्स में कैसा बॉन्डिंग होता है या ब्रदर एंड सिस्टर में, आपकी सिस्टर भी है. हाँ. तो उनका वैसा कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस को? कहना चाहूँगा कि ये जो है इट्स अ फैमिली बेस्ड शो, इसमें हर एक आपको इमोशन रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, चाहे वो कजन्स के बीच में हो, चाहे वो ब्लड रिलेशंस के बीच में हो, चाहे वो मॉम डैड का हो. तो एक माइन्यूट से माइन्यूट रिलेशनशिप भी जो होगा वो एक उभर के आएगा और सबके साथ अच्छा से आपको देखने को मिलेगा. आप स्कूल जाते हो, कॉलेज? नहीं, अभी मैं कॉलेज में आऊँगा, अभी एडमिशन बाकी है. कौन से स्टैंडर्ड में? अभी मैं 11th में हूँ. अच्छा, तो आप कैसे मतलब बैलेंस करते हो शूट करना और कॉलेज करना? एडमिशन चल रहा है. तो आपने शूटिंग खत्म कर दी है प्रोग्राम की? शूटिंग अभी बाकी है, अभी हो जाएगा, परमिशन ले लूँगा कॉलेज से.